हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। इंडिया वालों, आज का जो रिएक्शन करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ नोएडा सिटी पर, इंडिया का 2021 और मिनी जापान ऑफ इंडिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा और मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं तो वीडियो कर रहा हूँ शुरू और आप सब ने मुझे देख के बताना है कैसा है इंडिया का मिनी जापान। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहर नोएडा को, जो इंडिया के मिनी जापान नाम से भी परिचित है। पिछले कई सालों में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे सैटेलाइट सिटी बन रहा है जहां पे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है और सभी तरह की सुविधा इन शहरों के अंदर मौजूद होगा और नोएडा भी उनमें से एक है। ये शहर न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है और नोएडा वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ शहर का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। कई सारे एक्सपर्ट का कहना है आगे चल के नोएडा जैसे शहर इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर में मौजूद ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। शहर के हर तरफ ऐसे ही हाई राइज स्काईलाइन बना हुआ है जो लोगों को हैरान कर देती है कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है या फिर हमारे अपना देश इंडिया है। ये हमारा नया इंडिया है और ये हमारे नया इंडिया का नया उभरता हुआ शहर है जो हर एक एस्पेक्ट से डेवलप्ड है। आइए एक्सप्लोर करते हैं नोएडा सिटी, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। नोएडा एक प्लान्ड सिटी है जिसे प्रॉपर प्लानिंग करके शहर को बसाया गया था। ये शहर उत्तर प्रदेश के अंदर ओखला नदी के किनारे बसा हुआ है और ये दिल्ली एनसीआर रीजन का एक पार्ट है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन शॉर्ट नोएडा, और एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन नाम है। 2011 की जनगणना सूची के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 6 लाख के ऊपर थी। हालांकि अभी शहर के पॉपुलेशन बढ़ चुका है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे डेवलप्ड सिटी है। नोएडा शहर दो भागों में बटा हुआ है, एक है नोएडा और दूसरा है ग्रेटर नोएडा। नोएडा शहर विश्व का सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर है और इसकी रफ्तार यहाँ के डेवलपमेंट को देख कर ही पता चलता है। शहर के हर तरफ गगनचुंबी इमारतें जिसमें कई सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी शामिल है। ये शहर एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे कई सारे नेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी अपना सेटअप लगाया है, जिसमें सैमसंग, HCL, IBM, Adobe जैसे मल्टीनेशनल कंपनी मौजूद है। नोएडा आगे चल के इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स भी बन सकता है क्योंकि ये शहर दिल्ली NCR में मौजूद है। ऑलरेडी कई सारे इंडस्ट्रियल जायंट ने यहाँ पे अपना परमानेंट बेस लगाया है और आगे चल के और भी कई सारे कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाएगा। इससे कॉमर्स और ट्रेड में बढ़ोतरी होगी। इससे नोएडा शहर एक कॉमर्शियल हॉटस्पॉट बनके तैयार होगा। इससे और ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में बसने के लिए आएंगे और ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनेगी। शहर के अंदर और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप्ड होगी, जिससे साफ पता चल रहा है कि नोएडा आगे जाकर एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर बढ़ रहा है जो इंडिया के फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। नोएडा शहर की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पे ग्रीनरी के ओर बहुत ही खास ध्यान दिया जा रहा है। शहर के अंदर सड़क के दो किनारे बड़े बड़े पेड़ लगाया गया है जिससे प्रकृति का अपना बैलेंस बना रहे। साफ सफाई में भी बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है जिससे शहर क्लीन रहे। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के अंदर कोई भी शहर के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स बना हुआ है। नोएडा के अंदर सेक्टर 18 एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन, लग्जरियस होटल, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज, हाई राइज स्काईलाइन मौजूद है। नोएडा में मौजूद कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है। इसमें द ग्रेट इंडियन प्लेस, DLF मॉल, सिटी सेंटर मॉल, गार्डन गैलेरिया सबसे खास है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि नोएडा के अंदर चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें मौजूद है जिसके कारण नोएडा पूरे इंडिया में जाना जाता है और इनमें से ऐसा ही एक गगनचुंबी इमारतें है जो सुपर टेक, सुपर नोवा नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो 80 फ्लोर के है। दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल्स में कई सारे ऑफिस नोएडा में ही मौजूद है, लाइक CNN, IBN, NDTV। इसके अलावा और भी कई सारे फिल्म स्टूडियोज भी इस शहर में मौजूद है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो शहर पूरी तरीके से रैपिड मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। देश की राजधानी दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली से नोएडा की डिस्टेंस है ओनली 25 किलोमीटर, जो पूरी तरीके से मेट्रो से कवर किया हुआ है, और दिल्ली से नोएडा तक मेट्रो में करीब 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। हालांकि नोएडा शहर कोई भी रेलवे लाइन से अभी तक जुड़ा नहीं है। इसके अलावा नोएडा शहर में 3-3 इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस वे मौजूद है, ईस्टर्न परिपरल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। नोएडा शहर की रोड्स काफी वाइड है और ग्रीनरी से भरा हुआ है,
नोएडा शहर की करीब 50% एरिया ग्रीनरी से कवर किया हुआ है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। वंडर वाटर एंड एडवेंचर पार्क पूरे दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। गर्मियों में दिल्ली के लोगों के लिए ये जगह पहला पसंद है। आपको पता है इंडिया के F1 रेस इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में ही मौजूद है और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिंग सर्किट है। इंडिया में नोएडा वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब एंड हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे कई सारी यूनिवर्सिटी एंड कैंपस मौजूद है जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम भी इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है। ऐसे और भी कई सारे फैक्ट्स नोएडा शहर से जुड़ा हुआ है जो इस शहर को न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरे दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाला शहर बनाता है। तो इंडिया के फ्यूचरिस्टिक सिटी नोएडा के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट पेज जरूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नोएडा सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मजा आया होगा। आप सबने भी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है ये मिनी जापान के बारे में आप सबकी क्या राय है। इंडिया वालों, मेरी वीडियो को लाइक करना है आप सबने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर और हकीकत बात है यार, यकीन करो, ट्रस्ट में मुझे यकीन नहीं आ रहा। मतलब इंडिया और वो भी इतना खूबसूरत, मतलब ये अलग से कंट्री बना हुआ है। इंडिया मुझे लग ही नहीं रहा, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग लगा हुआ। अगर आप सबको भी ये वीडियो अच्छी लगी और अपनी राय का इजहार आप सबने कमेंट में लाजमी करना है। ओके, खुदा हाफिज़।